नमस्कार दोस्तों, कंचन की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में एकदम खुश होंगे। आज मैं अपने रसोई में बनाने वाली हूँ नेनुआ और चना दाल की सब्जी। तो चलिए हम बनाने चलते हैं नेनुआ और चना दाल की सब्जी। सबसे पहले नेनुआ ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो कर कट कर लेंगे। तो देखिए मैं धो करके कट कर ली हूँ नेनुआ को। नेनुआ को लंबा शेप में पतला पतला कट कर ली हूँ। आप सभी किसी शेप में कट कर सकते हैं। और इधर गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए बैठा दी थी और इसमें डाल दी हूँ सरसों तेल, आधा चम्मच जीरा, कटे हुए लहसुन और हरे मिर्च। और तड़का को लाल हो जाने देंगे। तड़का लाल हो गया, इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। एक प्याज है, इसे पतला पतला शेप में कट कर ली हूँ और इसे लाल होने तक भूनेंगे। नेनुआ में डालने के लिए देखिए चना दाल ले ली हूँ, इसे 4-5 घंटा के लिए फुला दी थी। और देखिए प्याज भुना गया है, अब इसमें चना डाल देती हूँ और इसे भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे साथ में। और आप सभी अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी बजाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिले। चना दाल भुंजा गया है, ज़्यादा नहीं भुंजना है। अब इसमें डाल दूंगी जो कट करके नेनुआ रखी हूँ। चना दाल और नेनुआ का सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। और गैस को एकदम मीडियम आंच पर ही इसे रखेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेंगे। जो नेनुआ का पानी छोड़ेगा उसी पानी से ये पक जाएगा। नेनुआ और चना दाल को अच्छी तरह से चला ली हूँ। अब इसे ढक देती हूँ, इसे ढक ढक कर पकाएंगे। दो मिनट बाद आप सभी को दिखाती हूँ। देखिए नेनुआ में से पानी छोड़ दिया है। मीडियम आंच पर रखिएगा तो ये पक जाएगा इतना ही पानी से, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में नेनुआ और चना दाल की सब्जी। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर से इसे मैं ढक देती हूँ, ढक ढक कर ही पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2 मिनट बाद आप सभी को दिखाती हूँ, सब्जी भुंजा गया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्दी पाउडर डालेंगे। फ़ौरन पर के ही सब्जी बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आपको तीखा पसंद हो तो मिर्च पाउडर, जीरा मरीच पाउडर डाल सकते हैं। पर फ़ौरन पर के सब्जी ऐसे बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप सभी देख सकते हैं कितना पानी छोड़ दिया है सब्जी में। इसी पानी से पक जाता है, मीडियम आंच पर रखिएगा तो धीरे धीरे पक जाएगा। इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है। अब फिर से इसे ढक देती हूँ, ढक ढक कर ही पकाएंगे। और बीच बीच में देखिए चलाते रहेंगे तो देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद आप सभी को दिखाती हूँ कि सब्जी कैसा हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं सब्जी बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल सब्जी पक गया है। अगर ग्रेवी इतना पसंद ना हो तो थोड़ा सा और इसे सुखा सकते हैं। तो आप सभी को दिखाती हूँ, देखिए चना दाल भी पक गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और खाने के लिए थाली लगा लेती हूँ। सभी देख सकते हैं खाने के लिए थाली लगा ली हूँ, नेनुआ और चना दाल की सब्जी और दही और आम का अचार है, साथ में रोटी है और ये आम है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। और आप सभी को ये मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।